सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको अम्ब्रेला सूट की कटिंग के बारे में। दोस्तों सबसे पहले नाप जान लेते हैं। यहाँ पे जो हम नाप रखेंगे वो लेंथ रखेंगे 48 तैयार और ब्रेस्ट का नाप होगा 21.5 और वेस्ट का नाप होगा 18.5। बाजू का नाप 18 होगा, ओपनिंग होगी 11 इंच और फ्रंट नेक 8 इंच होगा, बैक का नेक भी हमारा 8 इंच होगा। इस प्रकार से हमारा ये नाप है जिसमें से हम जिसके अकॉर्डिंग हम अम्ब्रेला सूट कटिंग करेंगे। और ये मैंने अम्ब्रेला कमीज कटिंग के लिए कपड़ा लिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस नाप के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी फैब्रिक लेते हो तो तकरीबन आपको 3.25 मीटर कपड़ा चाहिएगा। ये जो मैंने फैब्रिक लिया है इसका अर्ज बड़ा है। नॉर्मल जो अर्ज आते हैं वो 42 इंच ही आते हैं, लेकिन जो मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है ये इस कपड़े का जो अर्ज है वो है 55 इंच। तो मैंने यहाँ पे जो कपड़ा लिया है ये है 2.5 मीटर का। अगर आप नॉर्मल कपड़ा लेते हो तो आपको कम से भी कम 3.25 मीटर कपड़ा लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको 2.5 मीटर में ये अम्ब्रेला सूट कटिंग करके दिखाऊंगा। कटिंग की शुरुआत के लिए सबसे पहले हमें ऊपर का बॉडी का पार्ट काटना होता है चोली वाला। यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले अपनी चोली की लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा कटिंग करना होता है। जैसे हमें यहाँ पे चोली जो तैयार रखनी है वो 16 इंच रखनी है, तो हम यहाँ पे 17 इंच का एक पीस कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। जितनी हमने चोली की लेंथ रखनी होती है उससे 1 इंच ज्यादा हमें कपड़ा कटिंग कर लेना है और इसमें से हम चोली की कटिंग करते हैं। अर्ज हमारा काफी ज्यादा है, मैं आपको अर्ज भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो मैंने बताया था 55 से 55 इंच हमारा यहाँ पे अर्ज है, 27.5 इंच और नॉर्मल आता है हमारा 22.5 इंच। तो ये कपड़ा अर्ज इसका ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे जो कपड़ा लिया है 2.5 मीटर लिया है। और अगर आपका नॉर्मल 22 इंच 22.5 इंच वाला अर्ज वाला कपड़ा है तो आपने 3.25 से 3.5 मीटर कपड़ा लेना है। अब हमने क्या करना है, ऊपर के चोली का पार्ट कटिंग करने के लिए इसको बीच में से कट कर लेते हैं इस प्रकार से और दोनों पीसों को इस तरीके से बिछाते हैं। एक पीस हमारा नीचे की साइड ये रहेगा और ऊपर की साइड हम फ्रंट के लिए इस प्रकार से इसको बिछाएंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक हम दोनों इकट्ठी कटिंग कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट ये वाला हमारा बैक साइड के लिए और ऊपर का हमारा फ्रंट के लिए। इनको हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। चोली की कटिंग के लिए सबसे पहले हम दोस्तों कपड़ा हमने इस प्रकार से ये सेट कर लिया है। अब चोली की कटिंग के लिए सबसे पहले हम 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए एक आर्महोल का निशान लगाएंगे इस प्रकार, और ये हमारा कमर का निशान हो गया है। यहाँ पे जितनी भी हमने लेंथ रखी है वो हमारी कमर की होगी। इस निशान को हम जो हमने 7 इंच पे लगाया है इसको सीधा कर लेते हैं, और जो हमारा ऊपर वाला निशान है ये हमारा शोल्डर वाला होगा, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। अब नाप के अकॉर्डिंग जैसे हमने ब्रेस्ट का नाप रखना है 21.5 इंच, तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और कमर का निशान कमर रखनी है हमने 18.5, तो हमारा 9.25 इंच पे निशान आएगा यहाँ पे इस प्रकार से। इस निशान को हम कमर वाले निशान को ब्रेस्ट के निशान से मिला लेते हैं। इस प्रकार हमने ये निशान मिला लिया है। अब हमने यहाँ पे शोल्डर और आर्महोल के निशान लगाने हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हम 13.5 इंच पे लगाएंगे इस प्रकार, और जितना हमने ऊपर से निशान लगाया है
एक निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे 13.5 इंच पे, और अंदर की साइड 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे अंदर की साइड, और इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस प्रकार जोड़ देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम गोलाई डाल देंगे। ये दोस्तों हमारे फ्रंट के निशान कंप्लीट हैं। यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन करना होता है, जितना भी हम ब्रॉड लेंथ रखते हैं गले की, जैसे 6 इंच रखते हैं या 6.5 इंच रखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे निशान लगाना है 3 से 3.25 इंच पे, और यहाँ से 0.5 से 1.25 इंच की कंधे डाउन करनी होती है। तो जब हमारे फ्रंट के निशान कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हमें बैक साइड का निशान लगाना होता है। अब हमें बैक साइड का निशान, जो हमारा शोल्डर से बिल्कुल सीधा निशान आया था ये वाला, इससे हम 0.5 इंच बाहर की साइड लेते हैं। अगर हमारा गला बैक साइड का 8 इंच है, अगर हमारा गला सपोज करो 6 इंच है, तो हम यहाँ पे 1/4 इंच लेंगे, नहीं तो हम लेंगे 0.5 इंच। 8 इंच के हिसाब से यहाँ पे 0.5 इंच आएगा। इस जो हमने 0.5 इंच पे बाहर निशान लगाया है, इस निशान को हम ऊपर शोल्डर के निशान से जोड़ लेते हैं, और यहाँ पे हम गोलाई देंगे इस प्रकार से। ये हमारी बैक साइड की गोलाई हो गई। आगे मार्जिन रखते हैं, आप जितना आपकी इच्छा हो 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इस प्रकार। तो दोस्तों फ्रंट बैक के हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। बैक साइड हम ऊपर से कटिंग करते हैं, आपने इस तरीके से 0.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है, और यहाँ पे हम बैक साइड की कटिंग करेंगे पहले इस प्रकार। अब अम्ब्रेला सूट जो हम कटिंग करते हैं, उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे हमें 1 इंच से, यहाँ पे 0.5 इंच से 1 इंच का एक निशान लगाना होता है इस प्रकार, और इसको हम जितना हमारा वेस्ट का नाप होता है, जैसे वेस्ट का नाप हमारा यहाँ पे 18.5 है, तो आपने यहाँ पे हाफ पे निशान लगाना है, और जो हाफ होता है वहां पे हल्की सी इस प्रकार से हमने गोलाई डालनी होती है। जितना हमारा वेस्ट का निशान हाफ पे लगा है, वहां से मैंने हल्की सी यहाँ पे ये गोलाई डाली है तकरीबन 0.5 इंच की। अब हम नीचे की बैक साइड अलग कर लेते हैं और फ्रंट अलग कर लेते हैं ऊपर का। अब जो हमारे फ्रंट वाले निशान हैं, उनके ऊपर कटिंग करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारी फ्रंट और बैक की ये कंप्लीट कटिंग हो गई है चोली की। ऊपर की जैसे बॉडी के पार्ट हमने कटिंग कर लिए हैं दोनों, फ्रंट और बैक। अब रह जाता है हमारा नीचे का घेर। नीचे के घेर की कटिंग के लिए जितना भी हमारा कपड़ा बचता है, उसको हमने इस प्रकार से डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे जो फोल्ड मारेंगे इस तरीके से मारेंगे, जैसे समोसा कट, समोसा फोल्ड होता है, जिस तरीके से हम पजामी कटिंग करते हैं, समोसा कट पजामी कटिंग करते हैं, या अम्ब्रेला सूट आपने देखे ही होंगे, इस प्रकार से हमें यहाँ पे फोल्ड करना है इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने इस प्रकार फोल्ड करते हुए अच्छे से इस कपड़े को सेट कर लिया है, और यहाँ पे हमें देखना होता है अंदर और बाहर का कपड़ा हमारा सही होना चाहिए, दोनों पीस हमें हमारे मिलने चाहिए। कई बार क्या होता है, अंदर का पीस हमारा छोटा रह जाता है और बाहर का पीस हमारा बड़ा हो जाता है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों पीस हमारे यहाँ से मिले हुए होने चाहिए अंदर और बाहर के। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट सेट करना है, जहां तक हमारी जैसे ये है हमारा यहाँ पे 1/4 इंच है, 18.5 कमर होगी, तो जहां पे हमारा 18.5 इंच आएगा यहाँ पे ये पीस, इस तरीके से हम रखेंगे ऊपर इस प्रकार। यहाँ पे हमारा 18.5 इंच आएगा, तो यहाँ पे हमारी कमर आ जाएगी, इससे हमें थोड़ा 1 से 1/4 इंच एक्स्ट्रा पीस चाहिए होता है।
अब हम यहाँ से लेंथ नापते हैं। लेंथ हम कैसे नापेंगे, इस पीस को इस तरीके से रख लेंगे ऊपर, जो हमारा ऊपर की बॉडी का पार्ट है ये वाला जो हमने कटिंग किया है, इसको हम आगे की साइड मिलाते हुए इस तरीके से सेट करेंगे। अब लेंथ देखनी है हमें, ऊपर से हम शोल्डर से लेंथ नापना शुरू करेंगे और लेंथ नापेंगे। जैसे हमारी 48 इंच तैयार है तो यहाँ पे हम 48 पे एक निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। ये मैंने 48 पे निशान लगा लिया है। 48 पे निशान लगाने के बाद एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे इस प्रकार से, जहां पे हमने ये कटिंग की है, ये पीस बिछाया हुआ है इस तरीके से। अब हमने 48 पे यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। अब हम दोबारा से यहां से नापते हैं जहां पे हमारी ये नोक आती है, इस नोक का आपने ध्यान रखना है। यहां से हम लेंथ देखेंगे तो हमारी 42 आ रही है, तो यहां पे हम ऐसे चलते जाएंगे 42 पे निशान लगाते हुए इस प्रकार से। ये दोस्तों गोलाई डालने का सबसे सही तरीका है। यहाँ से जो हमारा नोक वाला पॉइंट होगा, यहाँ से आपने 42 पे इस तरीके से निशान लगाते जाना है इस प्रकार, और इन निशानों को हम एक दूसरे से मिला लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे निशान मिला लिया है एक दूसरे से। अब हमने बाहर की साइड जितना फोल्ड करना होता है, जैसे अंदर की साइड जो फोल्ड करना होता है उसका हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे यहाँ पे तकरीबन 1-1 इंच का, जिस पे हमें कटिंग करनी है। इस निशान के जो नीचे वाला निशान है इसके ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारी ये अम्ब्रेला शेप नीचे से कटिंग हो जाती है। अब रह जाता है हमारा ऊपर का पार्ट। ऊपर का पार्ट भी हमने यहाँ पे जो निशान लगाया है इसके ऊपर कटिंग नहीं करना है, सिर्फ ये मैंने एक आईडिया के लिए आपको निशान लगा के दिखाया है। जो हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, हम इस पॉइंट से यहाँ पे लेके चलेंगे तो हमारा यहाँ पे 11.5 इंच आता है, तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से 11.5 इंच पे निशान लगाते चलेंगे। तो दोस्तों इसी निशान पे हम कटिंग करेंगे जो हमने अब लगाया है इस प्रकार से। इस तरीके की गोलाई हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। अगर हम देखते हैं तो सीधा यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का फर्क आ जाता है। अगर हम इस पॉइंट पे कटिंग करते हैं तो हमारी जो ये साइड होती है, जो हमारी ज्वाइंट होती है साइडों से, ये हमारी उठ जाती है। आपने ज्यादातर क्या देखा होगा कि सेंटर हमारा झुका हुआ रहता है और साइड हमारी उठ जाती है, तो ये चीज हमें सही कटिंग अगर हम करेंगे तो ये चीज भी हमारी जो साइड की सिलाई वाली पार्ट होता है ये भी हमारा नहीं उठता, ये भी हमारा एग्जैक्ट सही रहेगा। अब हम इस पीस को हल्का सा इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड हमारे दो पल्लों में हल्के जोड़ डालते हैं, तो यहाँ पे आप इसी के अकॉर्डिंग जोड़ डाल दें। और अब मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा। इस प्रकार से हमारी ये अम्ब्रेला शेप आएगी। जो हमने चोली ज्वाइंट करनी है यहाँ पे इस प्रकार करनी है। इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पे नीचे का पूरा घेर तैयार होता है और ऊपर की चोली हमारी इस प्रकार से आती है। यहाँ पे जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल सीधा आ जाएगा और ये नीचे की साइड पीस लटक जाता है और बहुत ही अच्छी हमारी यहाँ पे फिनिशिंग आती है। मेन चीज होती है कटिंग। कटिंग के मैंने आपको दोस्तों कुछ टिप्स बताए हैं यहाँ पे। अब हमारी बाजू रह जाती है। अब मैं आपको बाजू कटिंग करनी बताऊंगा। दोस्तों अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग नीचे के घेर से जो हमारा कपड़ा बचता है उसमें से कर लेते हैं। यहाँ से घेर की साइड से ये पीस बचा हुआ है हमारा।
यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको, और अपना जो हमने आर्मोल रखना है उसके हिसाब से, जैसे हमें 9 इंच रखना है तो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए। फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड एक निशान लगाएंगे, फिर जितनी हमें लेंथ रखनी है, लेंथ जैसे 18 इंच रखनी है तो हम 18.5 पे निशान लगाएंगे, और एक निशान फोल्ड के लिए लगाएंगे नीचे की साइड। और ऊपर की साइड जो हमने आर्मोल की गहराई देनी होती है बाजू के, उस पर लगाएंगे हम 4.25 इंच पे। इस निशान को हम इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं ऊपर और नीचे वाले को। अब 9 इंच हमें रखना है यहाँ पे आर्मोल, और नीचे की जो मोरी रखनी है वो 11 इंच रखनी है। तो इस प्रकार ये निशान हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिलाएंगे यहाँ पे सेफ फट्टी की मदद से इस प्रकार। अब हम यहाँ पे एक गोलाई दे देते हैं और एक देंगे गहराई। सबसे पहले हम गोलाई वाले निशान पे कटिंग करेंगे इस प्रकार से, और आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पे नीचे की साइड 2 पल्ले छोड़ते हैं, और ऊपर की 2 पल्ले जो होते हैं उन पे हम गहराई दे देते हैं इस प्रकार से। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये बाजू की कंप्लीट कटिंग हो गई है। जो गहराई वाला पार्ट होता है हमारा फ्रंट साइड अटैच होता है, और जो ये गोलाई वाला पार्ट होता है ये बैक साइड में अटैच होता है। बाजू की भी हमने कटिंग कर ली है, और इस प्रकार हमने ये फुल अम्ब्रेला सूट की कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।